जरूरी सूचना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसकी हवा चल रही है? एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ चुनावी सर्वे किया है। ये सर्वे उन सवालों को लेकर किया गया है जो कल राजनीति की दुनिया में बड़ी खबर बनी थी। इन खबरों की वजह से राज्यों की राजनीति में किसका सियासी सेंसेक्स ऊपर गया और किसका गिरा, हम यही बताने जा रहे हैं। और देखिए, आज सर्वे की टीम तीन चुनावी राज्यों में ये सवाल लेकर गई थी कि हिंदुत्व का फायदा किसको मिलेगा, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी राम और मंदिर की माला जप रही है, तो उधर राहुल गांधी भी राम और शिव भक्त बन गए हैं। 29 तारीख को उज्जैन के महाकाल मंदिर में राहुल गांधी पूजा करने जा रहे हैं, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर राहुल गांधी लगातार खेल रहे हैं। क्या भक्ति के सहारे सत्ता की शक्ति पाने की ये कोशिश हो रही है? और सवाल यही कि इसका फायदा चुनाव में किसको मिलेगा, तो ये बड़ा सवाल। और इस सवाल पर हम बात करें, हम आपको बता दें, उसके लिए हमारे साथ ना सिर्फ आंकड़ों का पिटारा होगा बल्कि खास मेहमान भी मौजूद रहने वाले हैं। उन मेहमानों से भी मैं आपका परिचय कराऊंगी जिसमें हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होंगे और उसके साथ ही साथ होंगे सियासी मेहमान भी, यानी कांग्रेस बनाम बीजेपी की ग्राउंड पर ही नहीं, यहाँ स्टूडियो में भी आंकड़ों पर होगी टक्कर। तो आज सबसे पहले हम आपको लेकर के चलेंगे राजस्थान, और राहुल गांधी ने, आपको पता ही होगा, आज वसुंधरा के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया है। झालावाड़ में आज राहुल गांधी ने सीबीआई में मचे घमासान पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कह दिया कि राफेल डील की जांच करना चाहते थे सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा, इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके पद से ही हटा दिया। लेकिन इन सियासी हमलों के बीच राहुल गांधी का अपना ग्राफ राजस्थान में कहां टिक रहा है, आइए सेंसेक्स सेंटर से हमारा सबसे पहला आंकड़ा चुनावी राज्य राजस्थान से सियासत का सेंसेक्स। सवाल हमने ये पूछा कि इस वक्त लोकसभा चुनाव अगर हो जाए राजस्थान में, कौन कहां खड़ा है? बड़ी तस्वीर आपके सामने आप देख रहे हैं। अभी चुनाव हुए तो 45% लोग वापसी चाहते हैं बीजेपी की और 40% लोग कांग्रेस पार्टी के साथ अपना समर्थन जता रहे, यानी अब भी राजस्थान में जब विधानसभा चुनावों का माहौल है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 45% जनता उनकी बीजेपी के साथ खड़ी राजस्थान में, जबकि 40% जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, तब जबकि राहुल गांधी दिन रात एक किए हुए हैं राजस्थान में जाकर के सीधे हमला बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी पर। मैं रुक करना चाहूंगी अपने राजनीतिक मेहमानों का इस बड़ी तस्वीर पर, और हम आपको बता दें उन राजनीतिक मेहमानों के पास चलते हैं हम सीधे। पहले हम रुक करना चाहेंगे बीजेपी से, हमारे साथ राष्ट्र प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी जुड़ गए। शाहनवाज जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अभी तक जो पॉपुलैरिटी रेट है उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी मैदान में आ जाते हैं तो राहुल गांधी पीछे हो जाते हैं, लेकिन शाहनवाज जी, राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। झालावाड़ में आज उन्होंने कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर को पीएम ने इसीलिए हटाया क्योंकि राफेल की फाइल्स की सीबीआई डायरेक्टर जांच कर रहे थे, यानी वसुंधरा के साथ साथ अब शाहनवाज जी राजस्थान में सीधे प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का अटैक। देखिए, कांग्रेस हर विषय का फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस को मालूम है कि हमारी सरकार ने जब सीबीआई के अंदर दो अफसर आपस में विवाद कर रहे थे तो उस पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, जांच होने तक उनको अलग किया, छुट्टी पे भेजा, और इसमें भी कांग्रेस को लगता है कि इस पर सियासी फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी इस तरह के विषय पर जागते रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और जब ये विषय आया तो उन्होंने रात में इसको फैसले को निपटाने का काम किया, क्योंकि तो अगर हम नहीं करते सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं सरकार। अबे दुबे जी, वैसे कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो अब ये अगर बात करें लोकसभा चुनाव राजस्थान में अगर आज हो जाए वजह से हटा रही है, तो बीजेपी 45% के साथ कांग्रेस से आगे, कोई दम नहीं है। ऐसा तो नहीं हो रहा दुबे साहब कि प्रधानमंत्री पर जितने हमले कर रहे हैं आप लोग, पीएम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और कांग्रेस को इसका नुकसान हो रहा है? आंकड़े तो यही बता रहे हैं। देखिए, कितनी भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, पर्दा नहीं डाल पाएगी इन घोटालों पर। उनको लॉफुल तरीके से नहीं हटाया, इसलिए तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। उनको हटाने का अधिकार क्या किसके पास था? तो आपको जब
चीफ जस्टिस का एक रिप्रेजेंटेटिव या वो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन, एक संवैधानिक व्यवस्था है कि कौन अपॉइंट करेगा, कौन हटाएगा। मैं बड़ी बात ये बताना चाहता हूं, 11 राज्यों की 263 सीटों की सरकार है मोदी सरकार, जिसमें हिंदी हार्टलेट की लैंड की मैक्सिमम सीटें हैं, 26 में से 26 राजस्थान आता है, अबे दुबे जी जीती है। चलिए राजस्थान में जनता का मूड क्या कह रहा है मैं देख लेती हूँ। देखिए प्रधानमंत्री पे अटैक कर रहे हैं तो पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री की घट नहीं बल्कि बढ़ रही है, लेकिन हम तो विधानसभा चुनाव की राजस्थान में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में किसको कितने वोट, सियासत के सेंसस में बड़ा आंकड़ा आज का राजस्थान से, बीजेपी के पक्ष में 30% वोट जाते हुए लेकिन कांग्रेस पार्टी को 49% वोट शेयर जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर राजस्थान की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे गैप जो है वो 19% का है, 19% का बहुत बड़ा गैप। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ यहां पर दो खास पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मौजूद है, धनंजय जोशी सिसेरो से और अनुज गुप्त हमारे साथ है, तीनों राज्यों पर अपनी खास पकड़ रखने वाले। सबसे पहले धनंजय जोशी, आपसे जानना चाहूंगी राजस्थान में ये जो हो रहा है, ये सीटों में कैसे कन्वर्ट हो रहा है सर आज की तारीख में? देखिए राजस्थान में अगर हम पिछले 3 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर हम देखें, पहले दिन 9% का गैप था, दूसरे दिन 14% का गैप था और आज तीसरे दिन 19% का गैप हो गया। ये एक बहुत बड़ा गैप है, एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट में इतना बड़ा गैप अगर हम देखें तो शायद ही कभी हुआ है। आम आदमी पार्टी 2015 या 1984 ऐसे कुछ ही चुनाव हुए हैं जहाँ पर इतना बड़ा गैप हुआ। अब हम देखें इसे सीटों में कैसे बदला जाएगा। बीजेपी 14 सीट पर निपट जाएगी अगर इस प्रकार का वोट शेयर रहा, कांग्रेस 169 सीट पर रहेगी। और आज ये मालूम पड़ता है ये वोट शेयर देखकर कि अब जो है बीजेपी राजस्थान पूरी तरह हार चुकी है। ये बड़ी ये वापस पलटना असंभव लग रहा है। 179 versus 14, बीजेपी सिर्फ 14 पर आती हुई। अनुज गुप्ता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपके मुताबिक इस वोट शेयर पर कितनी सीटें राजस्थान में किसको? मैं जोशी जी की बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा हिम्मत कर रहा हूँ कि भाजपा वहाँ नेता प्रतिपक्ष बना पाने लायक आंकड़ा 20 का टच कर ले और कांग्रेस फिर 175 का आंकड़ा जरूर ले लेगी ऐसे आंकड़ों में, जिसका मतलब होगा कि अगले 5 साल भाजपा को वहाँ से एक भी राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी है, जो कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस के लिए वो हालत रही है। लेकिन लोकसभा की पोलिंग का जो आपने पहले एक आंकड़ा दिया और अभी राज्यसभा विधानसभा के लिए, तो देखिए 1998 और 99 में ऐसा ही हुआ। यहाँ 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन 1999 के चुनाव में 25 में से 16 सीटें भाजपा जीत करके गई। लोकसभा और आप कह रहे हैं विधानसभा, लेकिन मैं सीधे विधानसभा पर आना चाहूंगी। और शाहनवाज हुसैन साहब, ये तो ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा के बस की बात नहीं है शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री को अब नहीं उतर जाना चाहिए चुनावी मैदान में राजस्थान में सर, एकदम खात्मा लग रहा है और ये हर दिन ऐसी तस्वीर राजस्थान से आ रही है। देखिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं राजस्थान में, हमारा संगठन पुराना है। ये सही है कि कुछ शिकायतें रही होंगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब से दौरा किया है राजस्थान पूरा इकट्ठा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और हमारे जो बूथ पर कार्यकर्ता है, आपका सर्वे भी जो देख रहे हैं, उनको भी चुनौती है और उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करेंगे और आप रिजल्ट में देखेंगे कि हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। अबे दुबे जी, हो जाएगा परिवर्तन? मुझे लग रहा है शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के मैदान में आते ही राजस्थान की तस्वीर पलट जाएगी। अंदर भी हमने जरूर वहां पर जीत नहीं प्राप्त की थी, लेकिन शाहनवाज जी ने खुद ने ये बात अपने मुंह से स्वीकारी कि उनके अध्यक्ष जी का दौरा जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। 33% कांग्रेस थी और 45% भारतीय जनता पार्टी थी पिछले असेंबली में और 19% के अंतर का अर्थ यह, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि हम 164+ सीट राजस्थान में जीतने वाले हैं और लोकसभा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन ने आज ही आपको देखने को मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप कि चेहरा बताने से क्यों डर रहे हैं? 20 सीट, अरे ये तो बता दीजिए सचिन पायलट चेहरा है या अशोक गहलोत? भी नहीं मिलेगा आपको, इतना जीत रहे हैं अगर तो चेहरा तो बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी मैदान में उतरेंगे तो पता लगेगा राजस्थान की जनता के दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री। चेहरा वो किसान है जिनको लाठियों से लहूलुहान कर दिया, वो महिलाएं जो अराजक तत्वों से राजस्थान में प्रताड़ित हो रही है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तो जनता लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों से। शाहनवाज जी कह रहे हैं जब ये कॉन्टेस्ट राजस्थान में मोदी वर्सेस राहुल होगा प्रधानमंत्री मोदी बाजी मार ले जाएंगे।
देखिए ये भ्रम टूट जाएगा और यहीं से पराभव प्रारंभ होगा मोदी सरकार का। लिख कर रखिए नेहा जी, तीनों राज्यों की हार से ये राजस्थान का गैप इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री भी भर पाएंगे इससे। दो लोकसभा और एक विधानसभा हार गए। इसी तरह से ये गुजरात में भी बोलते थे और गुजरात के सर्वे भी कहते थे कि बीजेपी बहुत टफ फाइट में है। हम मानते हैं कि राजस्थान में हमारी लड़ाई है, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करते हुए लड़ेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है चले राजस्थान का घमासान आपका लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस बीच में बता दूं आज राजस्थान में ग्राउंड जीरो पर भी किस तरह का चुनावी एक्शन देखने के लिए रहा है, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दो दिनों के राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ में की रैली। राहुल की झालावाड़ रैली में पोस्टर पर छाए रहे सचिन पायलट, इक्का दुक्का पोस्टर में दिखे गहलोत। राजस्थान में कांग्रेस ने चंदे के जरिए 284 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा, हर बूथ से 55,000 जुटाने का टारगेट दिया। राजस्थान के चर्चित दारिया फर्जी एनकाउंटर में जेल जा चुके पुलिस अधिकारी अरशद अली की पत्नी बीएसपी से चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान के भरतपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्कूली छात्राओं ने रश के कमर की धुन पर गाना गाया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।